गिरफ्तारियां और दीगर मसाइल। पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज मंसूख होने का इम्कान है। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा भी मंसूख हो चुका है, पार्टी ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ज़ीशान काकाखेल से। ज़ीशान बताइए, एहतजाज मंसूख होने का इम्कान है, अब क्या शेड्यूल होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों का ऐलान किया था, लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तमाम जलसों को मनसूख करके 3 दिनों या इससे ज़ायद का धरना दिया जाए और धरने के लिए जो है सवाबी के मकाम का इंतखाब किया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि गिरफ्तारियों का खदशा था, इसके साथ साथ दीगर कई मसाइल का भी सामना था, तो अब पार्टी की आला क़यादत ने फैसला किया है कि वो मुल्क भर में जलसों की बजाय जो है सवाबी के मकाम पर जो है धरना करे, और जिसमें मुल्क भर से जो रहनुमा है वर्कर से वो उनको मदू किया जाए और वो आए शिरकत करे और जो है इसमें शरीक हो जाए। जो पार्टी ज़राए हैं उनके मुताबिक इसका हतमी फैसला जो है कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि 8 नवंबर को पिशावर में जलसे का ऐलान किया गया था, तो अब वो भी मनसूख हो गया है, क्योंकि जो है पार्टी की कुछ रहनुमाओं की ये राय है कि धरना जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए जो है अब धरना दिया जाएगा। अब धरना दिया जाएगा, ये बेहतर ऑप्शन समझा जा रहा है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका।